चैनल सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। देखो मेरी बुंदी सी शक्ल पर मत जाइयो क्योंकि अभी मैं सो उठी हूँ। उठता नहीं, देखो बाल बूढ़ मैं पाऊँ बोली फैशन। अब आप हाँ जियान का हाँ यार, बस ये है कि मैं जिम जाऊँ ना सुबह ना हेलमेट लगा कर जाऊँ, बाकी फेस कवर कौन करूँ। तो मेरे धूप से थोड़ी एलर्जी है तो मेरी स्किन जलती है ठंड से थोड़ी सी, तो मैं अभी डॉक्टर की दवाइयों से ठीक कौन करना चाहूँ, मैं देसी नुस्खा से ठीक करना चाहूँ चाहे एक मिनट आ जाए। और थारी बाण हेयर कलर करवाया, देखो मस्त है ना, बट मैं आगे से आने आ रहा है जुल्फा कटा ली गलत कर दी हूँ मैं, पर कोई नहीं बच जाओगे घर की खेती है। तेरे नाम कौन ना करके तेरे नाम कटिंग दे दी मैं तेरे नाम। तो चलो आप अपनी बकवास खत्म करके आप अपना स्किन केयर रूटीन पर आवा। घर में सारी चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी, थे जाओ रसोई कमाई ने जिया जिया मैं बताऊँ भी अभी यहाँ थे करो थान बताना हूँ। पहला मैं मेरी स्किन पर लगा के देखूँ और ऑल स्किन टाइप है और देसी नुस्खा को कोई साइड इफेक्ट को नहीं, मैं थान बता दी मैं ठीक है। जय बाबा की, राम राम। आली आप बाट की, एक लियो नींबू, एक चम्मच बेसन, पर मैं दो चम्मच गिरूंगा क्योंकि निकी भी अप्लाई करेगी आपको फेस पर, और हल्दी आप थोड़ी कम ही गिराऊंगा ठीक है। तो देखो एक अंदर आप दो चम्मच बेसन है, आधी चम्मच थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ली है, नींबू काट के आप लास्ट में ऐड करांगा और रोज वाटर भी अपन ऐड करना है और एक चम्मच आप कॉफी ऐड कर ठीक। अभी अंदर आप ऐड कर गुलाब जल, रोज वाटर देखियो को नहीं फूलों की खुशबू। बाद में आप पेस्ट ने मिक्स कर लिया आंच पे, तो डन। अब इन पहला मैं इकट्ठे अप्लाई करके दिखा दूं हम। वो थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ी सी हल्का हाथ में रब करके मसाज करके छोड़ दो और सूख जा दो। अप्लाई करवा के वो सूख जाए थोड़ी देर, बिग बाद में आप चेहरा पर अप्लाई करांगा ठीक है। और पता है थाने सारा मन यहाँ कहा कि यार आप पहले से पतले हो गए, तो देखो मैं सदा बार एक जान की बन रहा हूँ, कदे मोटी कदे पतली कदे मीडियम, मेरो चेंज होता रहा है मौसम का हिसाब, वहाँ पर भी चेंज होता रहा, एक सा रेशा जाना ठीक हो लगा। और मारनी लाइन का अंदर तो यह है कि सदा बार चेंज होता ही रहना चाहिए। देखो गाइस मैं आ चुकी हूँ, अब अभी हाथ आड़ो तो मेरे लेप छुटे हुए, तो अब आप मुंडा पर ट्राई करांगा। हल्दी है लगने वाली, अब आप फेस पर अप्लाई कर लें। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा बिहा होने वाला। हल्दी है लगने वाली, थोड़ा सा आप देखो इन काई कर सका इन आप मसाज देश का थोड़ी सी नॉर्मल स्वीट स्वीट आता हूँ, ज़्यादा रगड़ मतले जो यहाँ ठीक है। अभी तो मैं इन सूख बता नहीं छोड़ दूँ, फिर भी ट्राई कर दूँ रिजल्ट आप देखा ही, एक मिनट रुको वो अभी वॉश करके देखा आप ठीक है। मैं देखो यार थार का नहीं देसी नुस्खा लेके आऊँ, बढ़िया बढ़िया थे यूज कर सको, देसी नुस्खा को कोई साइड इफेक्ट को नहीं, ऑल स्किन टाइप हुआ है ना कोई कभी एलर्जी कौन करा, बेसन खासतौर से और एलोवेरा। और तो मैं ये बताऊँ था सब बढ़िया, टाइम टू टाइम खाशो पीशो या होनी की थे खाओ पियो को नहीं, सिर्फ नुस्खा ही नुस्खा यूज करो, पेट में नहीं गेर सो जना फिर तो रामान ही रामान है, पेट में भी जानो चाहिए जना स्किन ग्लो करेगी, टाइम टू टाइम खाओ पियो और या इनका देसी नुस्खा हफ्ता में एक दो बार यूज कर लिया करो। मैं गाइस पैर पे भी हल्दी लगा रही हूँ मेरे, यू नो पिट्टी लगी भाई साहब। फिलहाल तो कोई जो डायरेक्टर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मन हॉरर मूवी में अच्छा तरीके से जगह देते सी। आई एम एक पैर पर लगाया दूसरा पर कौन लगाया देखा हाँ के रिजल्ट रहे ओके। तो गाइस रिजल्ट थे देखो, कौन सा हाथ में धन फर्क लाग रहा है लेफ्ट और राइट, राइट हैंड पर आप अप्लाई करो बैठे ठीक है। देखो देखो
मुंडा बोल रही थी शाम बहुत ज्यादा खेल रहे मुंडा धो लिया तो आप पूछ लिया फर्क तो है देखा चमकाना है तो गाइस वो अप्लाई करें बाद में थन थारो चेहरो ठंडा पानी से धोनो है यानी कि सर्दी को टाइम है ताता पानी से धुल्यो स्किन एकदम ड्राई हो जाओगी ठीक है जो पोषण हुआ ना वो ताता पानी से खत्म हो जाएगा ग्लो वगैरह सब तो जगह भी चीज थे अप्लाई करो फेस पर भी ठंडा पानी ही वॉश करया करो पर ये चीज ना कम से कम थे मना दो तीन बार अप्लाई करो पर ठंडा पानी से वॉश करो लगा के रखो और फिर हल्का हल्का हाथा से मसाज करो फिर बिन सूखबा के लिए छोड़ दो और जी सूख जाए थोड़ा सा ठंडो पानी लो हाथ में फिर हल्का हल्का हाथा से वापस मसाज करो और आराम से थोड़ा थोड़ा रब करके बिन उतार लो ठीक है तो ओहो मेरा स्किन केयर रूटीन मॉर्निंग का ज्ञान को लाके बता दो अभी आपने पक्को एग्जाम्पल बाकी है इनमें भी फर्क देखना है हमको इन लगाए बाद में मन यहाँ को लाग रहा की स्किन ड्राई ड्राई होगी मतलब यहाँ लाग रहे बने कि मैं कुछ लगाए सॉफ्ट सो फील हो रहे मैं सचाणी गाइस ड्रॉप योर कमेंट कौन सा पग में सानू फर्क लाग रहा है मैं बताऊंगी इस पर अप्लाई करियो मैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होप सो थारे सारा बढ़िया लागे हो और यान का देसी बढ़िया बढ़िया घरेलू नुस्खा लेके मैं आती रहूँगा थारे सारा को प्यार और सपोर्ट बने रहे जय बाबा की राम राम बढ़िया खाओ बढ़िया पियो बढ़िया तरीके से रहो स्टे सेफ एंड हेल्दी ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लव यू मैं तो गोरी हो गई आज तावड़ा को ध्यान रख जो तावड़ा में जाओ तो सनस्क्रीन लगा के जाओ और थान पता सर्दियों को तावड़ा बहुत खतरनाक हुआ है जी की शिकार में हो चुकी हूँ और मैं होगी जना मैं थान सारा नहीं कहूँगा कि थे थारो ध्यान रख जो ठीक है ओके जय बाबा की